ही काम, चाय बनाओ, मलाई निकालो, दूध। नाश्ता करके जाने वाले हैं, वो अभी कहीं गए हैं किसी काम से, तो सामान वामान लेने। वही मैं गा बजा के बना रही हूँ, चाय वाय बैठ के पी, साथ में चाय पीते हैं, जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेते हैं, नहाना धोना, फिर चाय उनके साथ बैठ के पी, फिर ऊपर गए, तब जाके वहाँ पे पूछा करा, पूजा करी, फिर नीचे आए। जब भी जी चाह
आगे नहीं याद है तो अच्छी बात है ना, क्या है यादों का कफन। शब्द अच्छे नहीं है, बढ़िया। ये उस दिन की है, 27 की, 7 की है, 28 की, जब भाभी लोग आई थी उसी दिन की है। भाभी लोग आई थी, खाने का इंतजाम हो, 12:30 हो रहा है, बना लो। देखो खाते नाश्ते करके चले आते हैं, लेकिन मेरा ये उद्देश्य रहता है कि हम जल्दी जल्दी बना लूँ, खा लेंगे तो और अच्छी बात है। फिर वो जाते हैं ना तो उनको इधर उधर बड़ा टाइम लगता है, सब काम करते हुए तक जाते हैं तो कहिए शाम को पहुँचे। शुगर पेशेंट हैं तो खाली पेट रहना ठीक भी नहीं होता। मेरी यही कोशिश रहती है, मेरे बच्चों को बूंदी वाला रायता बहुत पसंद है। पहले पैकेट वाले ले आते थे तो इस समय कुछ पता नहीं क्यों ना अच्छी लगे, वो मटरी के बना देते हैं। क्या होता है, प्योर बेसन होता नहीं है तो वो टेस्ट ना आए। एक बार ये हलवाई के पास से लिया है तो फिर उसको मैंने बनाया तो बड़ा मज़ा आ गया। बनाते बनाते मैं आधा पी गई चम्मच चम्मच टेस्ट करते करते, फिर तब से वही ला के रख देते हैं। बहुत सौंधी बनती, प्योर बनाता है ना बेसन की, और इसके सेवों भी बहुत प्योर बेसन वाले वहाँ से लाते थे ससुराल साइड से, तो वो मटरी जैसे तो आए तो 4-5 दिन सही रहें, फिर इतने बेकार हो जाते थे कि हटाना पड़े, टेस्ट ही ना अच्छा लगे। अब ये बहुत अच्छा टेस्ट है, मैंने कहा ज़्यादा मत खाइएगा तो पहला ये वैसे ही हो गए तो टेस्ट करा तो हम लोग खाते चले गए। बोले कि अब ये मंगवा लिया करो, तो ये बूंदी और ये ला के रख देते हैं। बच्चे लौकी वौकी और किसी चीज़ का रायता नहीं खाते हैं, बस उनको बूंदी चाहिए। डालूंगी काला नमक, कसूरी मेथी, भुना जीरा, थोड़ी सी शक्कर, दही घरी में जमा लेती हूँ मिट्टी वाले प्याले में, उसी को ब्लेंड करके मिक्सी में मिक्सी करके फिर बना रही हूँ गाढ़ा गाढ़ा। ऐसी दही बड़ा भी बना लेती हूँ, बहुत टेस्टी होता है गाढ़ा सा, अच्छा सा साफ सुथरा बना। प्याज काटे, एक काकू जी के लिए आलू प्याज वाली सब्जी बना दी है, पतली पतली कतली काट के ऐसे ऑयल में ही फ्राई करके, और ग्रेवी वाली हम लोग की रखी है वो ये खाएगा नहीं पगला, प्याज ले लेगा। इस समय प्याज मानस नहीं खा रहे, काकू खा रहे हैं। प्याज मैं भी नहीं खाती, मुँह से बदबू आती है। खीरे मुझे बहुत पसंद, खीरे खाती हूँ या फिर गाजर, बाकी टमाटर और प्याज नहीं चाहिए मुझे। सलाद पत्ता भी बहुत पसंद है, गर्मियों में तो बस दही मिल जाए खीरा मिल जाए मज़ा आ जाता है। अपनी चटनी पकाई तो कोई मेरे यहाँ खाता नहीं, कोई नहीं खाता, लेकिन रख लेती हूँ बाई चांस कोई आ जाए तो थाली में रखते हुए गैस की थाली में अच्छा लगता है, कुछ खट्टा सा कुछ मीठा सा।
सब कुछ तो खाना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे भी नहीं खाते। बन गया मेरा खाना, सबको यथास्थान पहुंचा दूं, सारा सामान स्टोर रूम में। किचन छोटा ही पड़ जाता है कितना भी वो रख दिया। अब हरी मिर्च डाल दो, डाल दूंगी मना जीरा, चाट मसाला डालूंगी और रोटी सेकनी रह गई, दूध जमा दूंगी, गर्म है अभी, गुनगुना हो गया, गुनगुना हो गया, डाल सकते हैं। इसमें चाय बना लूंगी शाम को और दूध डालूंगी। ये ऐसे यहां से हटा दूं, थोड़ा सा हिलेगा, ये धोने डाल दूं। चलो ले चलो, अन्य चीटियां आ जाएंगी डाइनिंग पे। रॉड नहीं जलाई तो अंधेरा सा लग रहा है। यहाँ रखा रहेगा, रात में हटा दूंगी, फ्रिज में कर दूंगी, यहाँ रखा रहेगा। सबसे अच्छा तो माजा लगता है और ड्यू और इसमें मिरिंडा। अच्छा पता नहीं क्यों आ रहा है, बहुत अच्छा लगा जब स्टार्ट हुआ था मिरिंडा, तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था, और अब मेरी जिठानी के घर में पिया तो मज़ा आ गया। हमने कहा अरे वाह, दिखा नहीं मॉल में, दो ही थे फ्रूटी और ये, हमने कहा ये ले सकते हैं, थोड़े स्ट्रॉन्ग है, जब मन करता थोड़ा कड़वा। जिसको मिठास से नफरत है वो तो मीठा मीठा अच्छा, नुकसानदेह चीज थाम सा।